हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चावल की कटलेट बनाना बताऊंगी, तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए, आज मैं आपको बचे हुए चावल की कटलेट बनाना बताऊंगी। इसके लिए एक कटोरी चावल ले लेंगे हम, आधा कटोरी सूजी ले लेंगे, एक हरी मिर्च ले लेंगे, एक आलू को बॉईल करके ले लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। ये देखिए, हमने एक यहाँ पर बाउल ले लिया है, इसमें हम ये चावल को डाल देंगे। ये आलू जो हम बॉईल करके रखा था उसको किस लीजिए। किसने से क्या होता है, ये अच्छे से यहाँ पर बैटर में मिक्स हो जाता है। यहाँ पर सूजी को भी मिला लेंगे, हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे ये तो ठीक है, मैंने डाली है, आप चाहो तो यहाँ पे रेड मिर्च भी डाल सकते हैं, मतलब टेस्ट के अनुसार। आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो और मिर्च ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर चाट मसाला मिला देंगे, नमक अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं, हरा धनिया भी डाल देंगे इसमें। अब यहाँ पर दो बड़े चम्मच दही मिलाएंगे, यहाँ पर एक गिलास पानी लिया है, हम इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि आलू से चावल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और इसमें दही भी मिला है दो चम्मच। ये पूरा सामान हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, हमारा कटलेट कड़ू बनकर तैयार है। अब इसको हम थोड़ा सा हाथ में लेंगे, ये इस तरह से इसको गोल गोल करेंगे, गोल गोल करके ये रख लेंगे ऐसे। ये देखिए, गोल गोल कर लेंगे और इसको कटलेट की तरह हम प्रेस करके ऐसे सेव देंगे। ये देखिए, हमारी चावल की कटलेट बनकर तैयार है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, गैस पर कढ़ाई रख दी है, अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे। अब इसको 5 मिनट हम गर्म करेंगे, जब गर्म होगा तब हम इसमें कटलेट डालेंगे। ये देखिए, हमारा ऑयल यहाँ पर गर्म हो गया है, अब हम इसमें इनको डाल देंगे। पहले गैस को तेज कर दिया था, अब हमने गैस को स्लो कर लिया। देखिए, गैस को मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे कर लिया है, अब हम मीडियम फ्लेम पे इनको सेकेंगे। चावल हम ज्यादा सेकने में टाइम नहीं लेते, इनको हम पलट देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इनको पलटते जाएंगे, हल्के से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको सेकेंगे। पलटते रहने से ये हल्के से ब्राउन हो चुकी है, पर इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये देखिए, हमारे ये बनकर तैयार है, हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे चावल के कटलेट बनकर रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे लगते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।